हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपने घर पे आ चुके हैं और एक बहुत ही सैड न्यूज़ है कि हम लोग रिमेडिकल देने गए थे। अच्छा मेरा रिमेडिकल तो कानपुर में था और आपका कहाँ पे था रिमेडिकल? असम में था। अच्छा, असम में था। तो गाइस, मुझे तो रेड कार्ड मिल गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता है। इनसे पूछते हैं इनका क्या हुआ। यही हमारे प्रिय मित्र अजय जी, चलिए इनसे हम जानते हैं इनका क्या हुआ। तो क्या हुआ भाई, कुछ हुआ? रेड कार्ड मिल गया आपको? मेडिकल तो वन फिट हो गए हम। ऐसे क्यों? फिजिकल कहाँ था आपका? फिजिकल हमारा गुवाहाटी था, वहाँ पे तो फिजिकल में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। साथ में डीएस 1600 मीटर रनिंग करने के लिए। अच्छा, वेरी इजी, सब लोग कर ले। लगभग 120 बच्चों की रिपोर्टिंग थी वहाँ पे। अच्छा, 110 तक आराम से बच्चे क्वालिफाई कर लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। एसआरटी हुआ, एसआरटी में भी लगभग 10-15 बच्चे आउट हुए। अच्छा, वैसे जीडी हुआ, जीडी में हमारा बैच था तो 20 बच्चे उसमें थे, 20 बच्चे में से लगभग 15 बच्चों को सेलेक्ट कर लिए बोलो। अच्छा, लगभग कितने बच्चों की रिपोर्टिंग थी आपके? रिपोर्टिंग वहाँ पे 125 बच्चों की थी। 125? हाँ। बस 125 बच्चों की? 5 बच्चे नहीं आए थे। अच्छा, 5 आए भी नहीं थे। 120 का था। उसमें से कितने बच्चों को लिया? 10 बच्चों को क्वालिफाई, 10 बच्चों को अनक्वालिफाई किया गया, डिसक्वालिफाई। मतलब केवल 110 बच्चे सिलेक्ट हो गए पूरे? नहीं, रनिंग में। रनिंग में टोटल कितने बच्चे वहाँ पे क्वालिफाई हो गए फेज टू में? टेस्टिंग में लगभग 75 बचे। चलिए, बढ़िया रेशियो है। और आपका मेडिकल कहाँ गया था? मेडिकल वहाँ गया था जोरहाट में। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ था आपके साथ? मतलब कि आपको पॉइंट किस पे मिला है? मैलक्लूजन था, मैलक्लूजन इन माय डेंटल। अच्छा, डेंटल प्रॉब्लम है ये। फिर रीमेडिकल तो मिला होगा ना आपको? रीमेडिकल मिला, लेकिन डॉक्टर से मैंने रीमेडिकल पहले ही बताया। रीमेडिकल में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका? रीमेडिकल नहीं क्लियर हुआ, वो भी नहीं हुआ। वो कहाँ गया था रीमेडिकल? था कहाँ? करा, डॉक्टर बोल रहे थे 1 ईयर लग जाएगा इसको सही होने में। अच्छा, तो फिर हम सोचे कि अब क्या जाए। अच्छा, आप गए नहीं थे रीमेडिकल देने? चलिए कोई बात नहीं, आप अपना था रेड कार्ड दिखा सकते हैं क्या लोगों? तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप भी मेडिकल मनफिट होते हैं तो आपको भी ऐसे ही रेड कार्ड मिलने वाला है। गजब बेइज्जती है। कोई बात नहीं अजय जी, बहुत लाइफ में बहुत सारे मौके, हम लोग और भी अच्छा कर सकते हैं, तो उदास ना होइएगा। अरे कुछ नहीं, सैड नहीं, अभी हम लोग चलते पार्टी करेंगे यार, क्या करना। अच्छा, पार्टी भी करेंगे? हाँ, बिल्कुल। मैं हूँ एक अकेला हूँ जिसे रेड कार्ड मिला है, बट हमारे साथ अजय जी भी हमारे पार्टनर बन चुके हैं। तो रेड कार्ड मिलने की खुशी में हम दोनों अभी जाकर पार्टी करने वाले हैं, और पार्टी देंगे अजय भाई। देंगे ना? हाँ बिल्कुल। चलिए, किस किस चीज़ की पार्टी देंगे आप? अरे चलिए, समोसा खाइए और स्प्राइट मंगाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत। तो गाइस, जैसा कि अजय ने बताया कि वो मुझे समोसे की पार्टी देने वाला है, तो हम लोग आ चुके हैं पास वाले समोसे की दुकान पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गरम गरम समोसा तैयार हो रहा है। तो गाइस, अजय खुद के लिए और मेरे लिए समोसे लेने गया है, और फाइनली गाइस समोसा हमारे पास आ चुका है। तो अब हम दोनों मित्र मिलकर समोसे को खाएँगे, और उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर चले जाएँगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।